हेलो डियर माय जॉब सीकर, माय सेल्फ डॉक्टर नरेश पाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज बेंगलुरु। नाउ डियर माय जॉब सीकर, जो भी होटल या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री बेकरी या पेस्ट्री में कर रखा है, उनके लिए आज ये वीडियो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। और इस वीडियो को आप टिल एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अब समझ में आए कि अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए? आप स्किल्ड वर्कर हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है डेनमार्क में, होटल्स में, बेकरी में, जितनी भी बेकरीज है, जितनी भी पेस्ट्री की जो दुकानें हैं या शॉप्स है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है डेनमार्क में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कुछ भी कर रखा है बेकरी या पेस्ट्रीज में, तो वी हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री कर रखा है और मिनिमम आपके पास 2 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मीन्स रिलेवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इंडिया से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज योर कैटेगरी विल फॉल इन टू द स्किल्ड वर्कर। तो डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो इंडिया से। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एज अ एम्प्लॉई वहाँ पे डायरेक्टली आप जाते हो काम करने के लिए, तो सबसे अच्छी बात है सैलरी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। आपको मिनिमम 2400 यूरो से लेकर 3000 यूरो के बीच में कुछ भी आपको सैलरी एवरी मंथ मिल सकता है इस बेकरी और पेस्ट्री पोजिशन में। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग, एज क्राइटेरिया। तो आपका एज 18 से लेके 35 तक भी है, तब भी आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एज अ ट्रेनीशिप जाते हैं, जो प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें हमने ट्रेनीशिप इन बेकरी एंड पेस्ट्री डिस्कस किया था। आज का वीडियो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का, डायरेक्ट जॉब का। अगर उसमें आप जाते हो तो उसके लिए आपको 2 से 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए बेकरी और पेस्ट्री में, तब आप इसके लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वर्किंग आवर्स 40 आवर्स अ वीक में आप अर्न कर सकते हो 2400 यूरो से लेके 3000 यूरो के आसपास। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी सेम इन डेनमार्क ऑल्सो दे विल चार्ज मिनिमम, इट मे बी 250 यूरो टू 300 यूरो, 350 यूरो, जो भी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा उसमें मैंशन रहेगा कि आपका एकोमोडेशन कॉस्ट कितना लगेगा। तो ये चार इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आपका ड्रीम है यूरोप में जाके, डेनमार्क में जाके काम करना बेकरी और पेस्ट्री में। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपका डिप्लोमा भी उसी में है, डिग्री भी उसी में है, और आपको एक्सपीरियंस भी है 2-3 साल का, तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द रजिस्टर करें। इस जो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आप कॉन्टेक्ट करके अपनी जॉब करियर काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, और इस जॉब की, इस एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट की कंप्लीट डिटेल आप जान सकते हैं एक्सपर्ट से। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये नीडी की हेल्प कर सकता है और आपके करियर को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकता है। तो ऐसे ही आप देखते रहे वीडियो, आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे दे इजाज़त। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।